हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। क्या आपको पता है कि ये जो सब्जी बनी है वो सिर्फ एक मसाले से बनी है, बहुत ही सिंपल है और ये चिड़चिड़ा की सब्जी है जिसे आप सभी लोग खाना उतना पसंद नहीं करते, लेकिन आज के बाद सभी लोग ज़रूर पसंद करेंगे इसे खाना। तो इसे बनाने के लिए हमें ये कैता तो चाहिए ही, तो यहाँ पर मैंने इसे ले लिया है और इसको इस तरह से कट किया है। उसके बाद हम बीच के जो पल्प है इसको निकाल लेंगे और जितना भी मुझे बनाना है उतना ही मैं अभी ले रही हूँ। ये लगभग 250 ग्राम के आसपास होगा। और उसके बाद हम एक पैन ले लिए जिसमें ज़्यादा तेल नहीं लगेगा आपको इस सब्ज़ी में, और उसमें हम ये हल्दी डाल के इस कैते को डाल देंगे। हमारे बिहार में इसको कैता बोलते हैं, इसके लिए मैं ये नाम ले रही हूँ। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताइएगा। और इसको ढक कर हल्का नमक डालकर इसको पका लीजिएगा। कम से कम ये 70 से 80% तक पक जाना चाहिए, इसका पानी भी अच्छा सूख जाता है। उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए। उसके बाद वापस से मैंने पैन लिया जिसमें एक चम्मच के आसपास तेल डाला। मैं सरसों के तेल में इसे बना रही हूँ सारा चीज़। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई डाल के मैंने इसका तड़का लगा लिया है। इसमें हम एक प्याज डाल देंगे क्योंकि क्वान्टिटी ज़्यादा नहीं है तो हमें प्याज भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। एक प्याज को बारीक कट करके डाला है, इसको कुछ मिनट के लिए भून लीजिए। उसके बाद हम 4 से 5 छोटे साइज़ के मेरे पास आलू थे बॉयल्ड, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे बहुत अच्छे से मिलाएंगे। इस टाइम पे आप जो कैते का पल्प होता है ना उसको भून लीजिएगा प्याज के साथ में, अगर आप इसी में यूज़ कर रहे हैं तो। मैंने उसकी दूसरी सब्जी बनाई थी उसमें यूज़ किया है आधा का, तो इस टाइम पे भून के फिर आलू मिलाइएगा तो पल्प भी इसमें यूज़ हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें मसाला डाल रहे हैं जो कि एक मसाला है, वो है अचार का मसाला। उसके अंदर सभी चीज़ें होती हैं, खटास भी होती है, और ये जो कैते की सब्जी है ना उसमें खटास बहुत अच्छी लगती है। इसलिए सिर्फ आप घर का बना हुआ अचार का मसाला डालिए, उसी से आपकी सब्जी इतनी टेस्टी बनेगी ना कि आप यकीन नहीं कीजिएगा। नमक डाल दीजिएगा तो टेस्ट करके डालिएगा क्योंकि अचार में भी नमक होता है। और ये मसाला को भून के पहले ठंडा कर लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद हम इस कैते के अंदर इसे अच्छे से भर देंगे। देख रहे हैं जिस तरीके से अच्छे से भर दीजिएगा। तो यहाँ पे दो रेसिपी मैं बता रही हूँ एक मसाले से, एक है जो ड्राई स्टफ कैता की सब्जी और एक ग्रेवी वाली। तो इस तरह से भर लिया है, थोड़ा सा मसाला हमारा बच गया है जो कि हम आगे यूज़ करेंगे। तो अगर आप ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं तो इस प्रोसेस को स्किप कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप ड्राई बना रहे हैं जैसे कि सूखी सब्जी स्टफ़ वाली, तो उसके लिए आपको ये स्टेप करना है। थोड़ा सा पानी डालकर इसको वापस से कुछ मिनट के लिए पका लीजिएगा। उससे होगा ये कि जो आलू के अंदर हमारी सारी मसालों का जो फ्लेवर है ना वो कैते के अंदर भी आ जाएगा और वो ज़्यादा टेस्टी लगेगा इसके लिए। उसके बाद जब आपको ग्रेवी करनी हो ना तो इसी मसाले को आप पानी मिलाकर इसकी एक अच्छी सी ग्रेवी बना ले। आलू है, मसाले हैं, सभी चीज़ें हैं तो अच्छी थिकनेस इसमें हो जाएगी, बाइंडिंग आ जाएगी मसाले के अंदर, कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तब आप इसको इसके साथ पका लीजिएगा कुछ मिनट के लिए, और उसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। आप बनाइए, खाइए और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।